पिछले एपिसोड में आपने देखा ब्रायन के तबीयत की वजह से केटलिन बिजी रहती है और रॉब विंटरफेल को संभालने लग जाता है। केटलिन सर रॉड्रिक के साथ किंग्स लैंडिंग आती है और लॉर्ड बेलिश और लॉर्ड वैरिस से मिलती है। वहीं नाइट्स वॉच में जॉन को भी संदेश मिलता है कि ब्रायन होश में आ चुका है। अब आगे यहाँ किंग्स लैंडिंग में सम्राट का कारवां प्रवेश करता है। नेड स्टार्क इस लंबे सफर से बुरी तरह थक चुका था। वो बस अभी थोड़ी देर आराम करना चाहता था, तभी सम्राट का प्रबंधक नेड को बताता है कि ग्रैंड मास्टर पाइसेल ने सभासदों की एक बैठक बुलाई है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। नेड कहता है अगर ये बैठक कल हो तो सही रहेगा। प्रबंधक मान जाता है पर नेड उसे रोकता है और सोचता है कि आते आते ही सभासदों को निराश करना सही नहीं होगा, तो वो प्रबंधक से दोबारा कहता है रुकिए मैं चलूंगा, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए तैयार होने के लिए। प्रबंधक कहता है जरूर माय लॉर्ड, हमने पुराने हैंड लॉर्ड एरिन के कार्यालय को आपके लिए तैयार कर दिया है, वो टावर ऑफ दी हैंड में है, हम आपका सामान वहाँ पहुँचवा देंगे। नेड उन्हें शुक्रिया कहता है, तभी नेड देखता है कि पीछे से बाकी पूरा कारवां भी आ जाता है। नेड अपने प्रबंधक वायन पूल से कहता है ऐसा लगता है कि परिषद को मेरी जरूरत है, तुम देखना पूल कि मेरी बेटियों को उनके कमरों तक पहुंचा दिया जाए और आर्या पे ध्यान रखना, वो कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। नेड पलटकर शाही प्रबंधक से कहता है मेरा सामान अभी तक नहीं पहुंचा है तो आप मेरे लिए कुछ कपड़ों का बंदोबस्त कर दीजिए। थोड़ी देर बाद नेड उसी थकान के साथ ही मुख्य परिषद से मिलने पहुंचता है। वहां सिर्फ 4 लोग नेड का इंतजार कर रहे थे। वो कमरा बेशकीमती चीजों से सजा हुआ था और जैसे ही नेड प्रवेश करता है लॉर्ड वैरिस उसका स्वागत करते हैं। वहीं नेड जब आगे बढ़ता है तो उसने रेनली को कमरे की दूसरी तरफ एक छोटे कद के इंसान के साथ बात करते देखा। वो जरूर लिटिल फिंगर होगा, जब नेड ने सिंहासन जीता था उस वक्त रेनली सिर्फ 8 साल का था और आज वो एक नौजवान की तरह था। नेड जब भी रेनली को देखता था उसे रॉबर्ट के जवानी का चेहरा याद आता था, ऐसा लगता था कि खुद रॉबर्ट उसके आगे खड़ा हो। रेनली कहता है इस बात की हमें खुशी है कि आप सही सलामत पहुंच गए हैं लॉर्ड स्टार्क। नेड कहता है और आप भी, मुझे माफ करना पर कभी कभी तुम हूबहू रॉबर्ट जैसे दिखते हो। रेनली मजाक में कहता है हाँ बिल्कुल एक सस्ती नकल, लिटिल फिंगर कहते हैं पर उनसे अच्छे लिबास में। लॉर्ड रेनली सभा की महिलाओं से ज्यादा वक्त लगाते हैं तैयार होने में। फिर वो आगे कहते हैं मुझे उम्मीद थी कि एक दिन आपसे जरूर मिलना होगा लॉर्ड स्टार्क, आशा करता हूँ कि केटलिंग ने कभी मेरा जिक्र किया हो। नेड कहता है हाँ उसने मुझे बताया था, वैसे मुझे लगता है कि आपको मेरा भाई ब्रैंडन भी जरूर याद होगा। अब इस बात पे लॉर्ड वैरिस और रेनली हंस पड़ते हैं। लिटिल फिंगर कहता है मुझे काफी अच्छे से याद है, मैं आज भी उनके वीरता की एक निशानी लेके घूमता हूँ। तो क्या ब्रैंडन भी मेरा जिक्र आपसे करते थे? नेड कहता है काफी बार और वो भी गुस्से में। लिटिल फिंगर कहता है मुझे लगता है कि ये गुस्सा आप स्टार्क्स पर बड़ा जचता है, पर यहाँ साउथ में लोग कहते हैं कि स्टार्क्स बर्फ की तरह पिघल जाते हैं साउथ आते ही। नेड कहता है ओ उसकी फिक्र आप मत करिए लॉर्ड बेलिश, मैं इतनी जल्दी नहीं पिघलूंगा, आप भरोसा कर सकते हैं। फिर नेड मास्टर पाइसेल से उनका हालचाल पूछते हैं। मास्टर पाइसेल कहते हैं कि उन्हें अब सभा शुरू करनी चाहिए क्योंकि उम्र के वजह से मैं ज्यादा देर काम नहीं कर सकता। अब नेड उस कमरे में सम्राट के बगल वाले कुर्सी पर बैठा और कहा माय लॉर्ड्स आप सबको इंतजार करवाने के लिए मैं माफी चाहूंगा। अब वहां पे बैठते ही नेड को अजीब सा लगा, उसे रॉबर्ट की वो बात याद आई कि जब उसने कहा था कि वो चापलूसों और बेवकूफों से घिरा रहता है। नेड परिषद में बैठते ही सभी को देखता है और सोचता है कि इन सब में से कौन चापलूस है और कौन बेवकूफ। पर नेड उनसे पूछता है सभा में सिर्फ 5 लोग ही क्यों हैं? वैरिस बताते हैं सम्राट के नॉर्थ निकलते ही लॉर्ड स्टैनिस ड्रैगनस्टोन चले गए हैं और सर बैरिस्टन सम्राट की अगुवाई के लिए गए हुए हैं। इस पे नेड सुझाव देता है तब तो हमें सम्राट और सर बैरिस्टन के आने का इंतजार करना चाहिए। वैरिस कहते हैं हमारे सम्राट को और भी बहुत सारे काम होते हैं माय लॉर्ड, इसलिए वो ऐसे छोटे मोटे काम हम पर छोड़ देते हैं। रेनली बताता है लॉर्ड वैरिस के कहने का मतलब है कि खेती वित्त और न्याय से जुड़े काम मेरे भाई को मजेदार नहीं लगते, तो इन सब कामों को हमें संभालना पड़ता है। हाँ पर सम्राट हमें बीच बीच में निर्देश भेजते रहते हैं, जैसे आज सुबह उन्होंने निर्देश भेजा कि मुझे और मास्टर पाइसेल को ये सभा बुलानी चाहिए और कुछ जरूरी मुद्दों पे बात करनी चाहिए। रेनली एक कागज निकालकर नेड को देता है, वो एक निर्देश था। नेड को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता कि वो क्या पढ़ रहा है। रेनली सभी को बताता है सम्राट चाहते हैं कि नए हैंड के नियुक्ति पे एक बड़े प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। लिटिल फिंगर कहता है कितना खर्च आ सकता है? नेड ने आगे चिट्ठी में पढ़ा 40,000 सोने की मोहरे विजेता को दी जाएंगी, 20,000 जो दूसरे स्थान पर आएगा, 20,000 जो कि आमने सामने की लड़ाई का विजेता होगा और 10,000 तीरंदाजी के विजेता को। लिटिल फिंगर कहते हैं यानी कि 90,000 सोने के सिक्के, पर हमें बाकी खर्चों का भी तो ध्यान रखना होगा, सम्राट को एक बड़ी भोज भी चाहिए होगी, इसका मतलब कि बावर्ची बढ़ई गायक मस्खरे सभी को भी तो लाना होगा। मास्टर पाइसल लिटिल फिंगर से पूछते हैं क्या
राजकोष इतना खर्च झेल पाएगा? लिटिल फिंगर कहते हैं, कौन सा राजकोष मास्टर, मैं आपको याद दिला दूं कि राजकोष पिछले कई सालों से खाली है और इस बार भी शायद हमें लैनिस्टर से कर्ज लेना पड़े। वैसे भी हम पहले से टाइविन लैनिस्टर के हाथों 30 लाख के कर्जे में हैं, तो एक और लाख से क्या ही फर्क पड़ेगा। नेड के होश उड़ जाते हैं, वो पूछते हैं, क्या कहा आपने, सम्राट 30 लाख के कर्जे में है। लिटिल फिंगर बताते हैं, सम्राट 60 लाख से ज्यादा के कर्जे तले दबे हुए हैं, उसमें 30 लाख सिर्फ लैनिस्टर्स के तरफ से हैं। इसके अलावा हमने लॉर्ड टायरल से भी कर्ज लिया है, ब्रावोस के आयरन बैंक से भी और कुछ टायरोश के व्यापारियों से भी। नेड की हवाएं उड़ जाती हैं, वो पूछते हैं, एरिस टारगेरियन राजकोष को सोने से भर कर गया था, तो हालात ऐसे कैसे हो गए। लिटिल फिंगर कहता है, अब कोषाध्यक्ष तो बस पैसे का देख रेख कर सकता है, खर्च करना तो सम्राट और हैंड के ऊपर है। नेड कहता है, मैं नहीं मान सकता कि एरिन ने रॉबर्ट को इतना खर्च करने दिया होगा। मास्टर पाइसल कहते हैं, लॉर्ड एरिन एक समझदार शख्स थे माय लॉर्ड, पर सम्राट कभी उनकी बात नहीं मानते थे। रेनली कहता है, मेरे भाई को प्रतियोगिताएं और शाही भोज काफी पसंद है, पर वो कभी खर्च पे ध्यान नहीं देते थे। नेड कहते हैं, मैं सम्राट से इस बारे में बात करूंगा, ये प्रतियोगिता अभी ये रियासत झेल नहीं पाएगा। और नेड बिना इजाजत मांगे अपनी कुर्सी से उठता है और उस कमरे से निकल जाता है। जब नेड बाहर आता है तो देखता है कि अभी भी कारवां प्रवेश कर रहे थे, पर वो जानता था कि सम्राट अभी भी नहीं आए होंगे। ट्राइडेंट पे हुए उस हादसे के बाद से स्टार्क्स का कारवां सम्राट के कारवां से काफी आगे चल रहा था। वो लैनिस्टर्स के साथ किसी भी तरह का अनबन नहीं चाहते थे। सफर का पिछला 14 दिन काफी बदतर रहा था। सांसा बस रोए जा रही थी। आर्या को भी जब पता चला कि माइका के साथ क्या हुआ है, तो वो भी गुमसुम सी हो गई थी। नेड मुख्य आंगन से निकलते हुए आगे बढ़ता है। उसे लग रहा था कि वो टावर ऑफ द हैंड की तरफ जा रहा था, पर लिटिल फिंगर आके बताता है, तुम गलत रास्ते जा रहे हो स्टार्क, मेरे साथ आओ। नेड लिटिल फिंगर की बात मानकर उसके पीछे गया। वो दोनों एक टावर से होते हुए एक सुनसान बरामदे में आ गए। नेड कहता है, ये तो मेरे कमरे का रास्ता नहीं है। लिटिल फिंगर कहता है, नहीं, ये तहखाने का रास्ता है और मैं तुम्हें वहां ले जाकर मार डालूंगा और तुम्हारा सारा सामान लूट लूंगा। और वैसे भी इन सब में वक्त मत बर्बाद करो, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है। नेड कहता है, मेरे पास इन सब मजाकों के लिए वक्त नहीं है, केटलिन यहाँ से हजारों मील दूर है। लिटिल फिंगर कहता है, ओह, लगता है किसी को बात पता नहीं है, तुम्हें आना है तो आओ या मत आओ, मैं उसे अपने लिए रख लूंगा। लिटिल फिंगर तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा, नेड भी बस उसके पीछे ही था। जब वो सीढ़ियों के अंत में पहुंचे तो वहां एक दरवाजा था। जब वो उससे बाहर निकले तो नेड ने देखा कि वो दोनों राजमहल से बाहर आ चुके थे, उनके ठीक नीचे खाई थी। लिटिल फिंगर कहता है, इन पत्थरों पे जरा ध्यान से उतरना स्टार्क, वरना तुम्हारी बीवी को लगेगा कि मैंने तुम्हें मार डाला। नेड सोच रहा था कि कहीं लिटिल फिंगर झूठ तो नहीं बोल रहा, पर वो फिर भी लिटिल फिंगर के पीछे जाता है। जब वो दोनों पहाड़ी से उतर जाते हैं तो नेड देखता है वहाँ एक संकरा रास्ता था। लिटिल फिंगर नेड से कहता है, लगता है तुम पर उम्र का असर होने लगा है स्टार्क, कोई बात नहीं, बाकी का रास्ता हम घोड़ों पर तय करेंगे। वहाँ पे 2 घोड़े थे और दोनों उन पर सवार हो जाते हैं। जब वो मुख्य नगर में पहुँचते हैं तो लिटिल फिंगर एक अजीब से 3 मंजिला बिल्डिंग के आगे अपना घोड़ा रोक देता है। अंदर से संगीत और जोर जोर से हंसने की आवाज सुनी जा सकती थी और पूरे बिल्डिंग में सुगंधित तेल से जलने वाले दिए लगाए गए थे। नेट देखते ही कहता है, एक वैश्यालय, तुम इतनी दूर मुझे एक वैश्यालय लाए हो। लिटिल फिंगर कहता है, तुम्हारी बीवी अंदर ही है। अब नेड का गुस्सा छूट जाता है, वो लिटिल फिंगर को दबोच कर कहता है, मेरा भाई ब्रैंडन तुम पर रहम कर दिया था। और ये कहकर नेड एक खंजर निकालता है और लिटिल फिंगर के गले पे लगा देता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, नहीं माय लॉर्ड, वो सही कह रहा है। नेड जब इस आवाज को पहचानता है तो कहता है, सर रॉड्रिक आप यहाँ? सर रॉड्रिक कहते हैं, आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही है माय लॉर्ड। नेड को विश्वास नहीं होता कि केटलिन सच में किंग्स लैंडिंग में है। लिटिल फिंगर कहता है, चलो कम से कम तुम समझे तो, अब अपने हाव भाव एक ग्राहक की तरह बना लो, ना कि एक हैंड ऑफ द किंग की तरह। ध्यान रहे लोग तुम्हें पहचाने नहीं। हाँ बस रास्ते में 1-2 स्तनों को अगर तुम दबोचना चाहो तो वो भी कर सकते हो, किसी को शक नहीं होगा। सर रॉड्रिक बाहर ही रुके, वहीं लिटिल फिंगर नेड को सीधा 3रे माले पर ले जाता है। एक कमरे के अंदर केटलिन इंतजार कर रही थी। नेड जैसे ही उस कमरे में जाता है, केटलिन उसे देख के गले लगा लेती है और कहती है, मुझे लगा था मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। लिटिल फिंगर मुझे आपके और हमारे बच्चों की खबर ला के दे रहे थे, हमारी बच्चियां कैसी हैं? नेड कहता है, दोनों शोक और गुस्से से भरे हुए हैं, पर कैट मैं ये नहीं समझ पा रहा कि आप किंग्स लैंडिंग में क्या कर रही हैं? क्या ये ब्रैन के बारे में है? क्या ब्रैन सच में? केटलिन कहती है, ये ब्रैन के ही बारे में है, पर वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। नेड कहता है, तो फिर क्यों आप यहां क्या कर रही हैं और ऐसी जगह पर ही क्यों रुकी हैं? पीछे से लिटिल फिंगर कहता है, क्योंकि ये एक वैश्यालय है माय लॉर्ड, और कोई भी यहां केटलिन टली को ढूंढता हुआ नहीं आएगा। वैसे
भी ये जगह मेरी है तो मैंने यहाँ अच्छे इंतजाम करा दिए थे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लैनिस्टर्स को ये भनक लगे कि कैट यहाँ किंग्स लैंडिंग में है। नेट केटलिन के हाथों को देखते हुए पूछता ये कैसे हुआ, और ये घाव बड़ा गहरा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी तलवार की चोट हो। केटलिन एक खंजर निकालकर नेड के हाथ में रखते हुए कहती है ये इस खंजर की चोट है माय लॉर्ड, इससे आपके बेटे को मारने के लिए भेजा गया था। नेड पूछता है पर कौन और कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा। केटलिन कहती है आप बस अब सुनिए माय लॉर्ड, तभी सभी चीजें मैं आपको बता पाऊंगी। नेड केटलिन की सारी बात सुनता है, वो लाइब्रेरी टावर में लगी आग से लेके लॉर्ड वैरिस का मिलना और लिटिल फिंगर का भी। नेड इन सब बातों के बाद हैरान था, उसने सोचा कि उस डायर वुल्फ ने उसके बेटे की जान बचा ली और यहाँ नेड सांसा की डायर वुल्फ को मार चुका था। नेड को जॉन स्नो की कही बात याद आ जाती है कि जब उसने कहा था कि शायद ये डायर वुल्फ आपके बच्चों के किस्मत में है माय लॉर्ड। नेड बड़ा अजीब महसूस कर रहा था, क्या ये पछतावा था या डर, शायद भगवान ने उन डायर वुल्फ को मेरे बच्चों के लिए भेजा था और ये मैंने क्या पाप कर दिया। पर नेड उस खंजर को देखकर पूछता है पर टीरियन लैनिस्टर ब्रैन को क्यों मरवाना चाहेगा, ब्रैन ने तो कभी उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। लिटिल फिंगर कहता है ये उसके अकेले का काम नहीं है। नेड कहता है क्या इसमें महारानी का हाथ हो सकता है या भगवान ना करे सम्राट का भी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पर नेड को ये भी याद था कि सम्राट अभी कुछ वक्त पहले ही डेनेरिस को मारने के लिए लोगों को भेजने की बात कर रहे थे। लिटिल फिंगर कहता है संभावनाएं हैं कि सम्राट को इस बारे में कोई खबर ना हो। वो आगे कहता है वैसे भी सम्राट पे इल्जाम लगाना राजद्रोह माना जाता है, पर हाँ अगर महारानी के खिलाफ सबूत मिल जाते हैं तो अगर हम वो सबूत सम्राट तक पहुंचा पाए तो फिर शायद कुछ बात बने। नेड कहता है हमारे पास सबूत तो है, ये खंजर। लिटिल फिंगर कहता है क्या ये गलती मत कीजिएगा माय लॉर्ड, वो बौना तुरंत ये कह देगा कि ये खंजर उसके पास से चोरी हो गई थी जब वो विंटरफेल में था, और वैसे भी वो हत्यारा मर चुका है तो गवाही देने के लिए कोई आएगा भी नहीं। मेरी सलाह मानो तो इस खंजर को उस नदी में फेंक दो और भूल जाओ कि कभी कुछ ऐसा हुआ भी था। नेड कहता है लॉर्ड बेलिश मैं विंटरफेल का एक स्टार्क हूँ, मेरा बेटा एक विकलांग बन चुका है और शायद मर भी जाए, तो अगर तुम्हें लगता है कि मैं ये भूल जाऊंगा तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। लिटिल फिंगर कहता है हो सकता है कि मुझे गलतफहमी हो स्टार, पर मैं फिर भी आज यहाँ खड़ा हूँ, तो अगर तुम्हें अपने बड़े भाई के बगल वाले कब्र में लेटने के लिए इतने ही बेताब हो तो शौक से आगे बढ़ो, पर हाँ मुझे फिर इन सब में शामिल मत करना। नेड भी गुस्से से कहता है तुम तो इस दुनिया के आखिरी शख्स होगे जिसे मैं अपने साथ देखना चाहूंगा लॉर्ड बेलिश। लॉर्ड बेलिश कहते हैं आह तुम्हारी बातें मुझे चोट पहुंचाती हैं स्टार, पता नहीं कैट ने तुम स्टार्क्स में ऐसा क्या देखा, पर कोई बात नहीं कैट के खातिर मैं तुम्हें जिंदा रखने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं कभी भी उसे किसी बात के लिए मना नहीं कर सकता। केटलिन कहती है मैंने पेटीर को लॉर्ड एरिन के मौत के बारे में भी बता दिया है, वो उसमें भी हमारी मदद करेंगे, और नेड इस बात पे कभी राजी नहीं होता, पर वो भी ये जानता था कि उसे मदद की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए लिटिल फिंगर सबसे सही बंदा था। तो नेड मान जाता है और पूछता है कि लॉर्ड वैरिस के बारे में आप कुछ बता रही थी, क्या उस किन्नर को भी सब कुछ पता है। केटलिन कहती है नहीं मैंने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया, पर लॉर्ड वैरिस हर चीज बड़ी आसानी से जान लेते हैं। नेड कहता है उसके पास जासूस हैं। केटलिन कहती है नहीं नेड वो कोई काला जादू जानता होगा, सर रॉड्रिक पूरे गुप्त रूप से सर एरोन सेंटागार से मिलने गए थे पर फिर भी लॉर्ड वैरिस को उस बारे में पता चल गया, मुझे उस इंसान से डर लगता है नेड। लिटिल फिंगर कहता है लॉर्ड वैरिस को मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे आसानी से संभाल लूंगा, वैसे अगर मैं आपके जगह होता स्वीट लेडी तो मैं उस किन्नर के बजाय लैनिस्टर्स से बचने की ज्यादा सोचता। नेड केटलिन से कहता है कैट मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द किंग्स लैंडिंग छोड़ विंटरफेल लौट जाइए, क्योंकि अगर एक हत्यारा भेजा गया था तो और भी भेजे जा सकते हैं। केटलिन अपनी बेटियों से मिलने की जिद करती है पर लिटिल फिंगर समझाता है कि राजमहल में जाना एक बहुत बड़ी गलती होगी। नेड भी लिटिल फिंगर की बात को सही ठहराता है। केटलिन विंटरफेल के लिए रवाना होने के लिए मान जाती है, वो अलविदा कहने से पहले नेड को गले लगा लेती है। लिटिल फिंगर कहता है अगर आप दोनों चाहो तो हमारे यहां के एक कमरे को इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हाँ मैं बता दूं कि उसके पैसे देने होंगे। केटलिन कहती है कोई जरूरत नहीं है, हमें बस कुछ वक्त अकेला छोड़ दें। लिटिल फिंगर कहता है ज्यादा वक्त मत लगाइएगा स्वीट लेडी, क्योंकि इससे पहले किसी को शक हो मुझे और लॉर्ड हैंड को राजमहल लौटना भी है। केटलिन बेलिश से कहती है तुमने हमारा जितना मदद किया है मैं वो कभी नहीं भूलूंगी पेटीर, जब तुम्हारे आदमी मुझे लेने आए थे तो मैं घबरा गई थी कि मुझे किसी दोस्त के पास ले जाया जाएगा या किसी दुश्मन के पास, पर आज तुम एक दोस्त से भी बढ़कर काम आए हो। बेलिश कहता है मैं काफी भावुक इंसान हूँ स्वीट लेडी, बस ये किसी को बताइएगा मत, वैसे भी मैंने सालों तक मेहनत की है सभा में खुद को सन की और निर्दय दिखाने में, और मैं नहीं चाहता कि मेरी मेहनत पे पानी फिर जाए।
लिटिल फिंगर जैसे ही कमरे से बाहर जाता है, नेड केटलिन से कहता है, जैसे ही आप विंटरफेल पहुंचेंगी, आप हमारे नाम पर हेलमेट टॉल हार्ट और गोलबर्ट ग्लोवर को संदेश भेजिएगा कि मोट काइलिन पर 200 तीरंदाजों को तैनात कर दिए जाएं। 200 काबिल तीरंदाज किसी भी सेना को नेक के नीचे ही रोक सकते हैं। फिर आप लॉर्ड मैंडरली को कहिएगा कि व्हाइट हार्बर में रक्षकों की गिनती बढ़ा देने के लिए, और आज से थियोन ग्रेजॉय पर भी कड़ी नजर रखी जाए, क्योंकि अगर जंग होती है तो मैं चाहता हूं कि उसके पिता हमारे तरफ से लड़े। जंग का नाम सुनते केटलिन के चेहरे पर डर देखा जा सकता था। नेड उसे समझाता है कि लैनिस्टर्स निर्दयी हैं, पर फिर भी वो नॉर्थ पर तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक उनके पास पूरे रियासत की सेना ना हो। नेड आगे कहता है, मैं यहाँ रहकर कोशिश करूंगा कि उन्हें ये भनक भी ना लगे कि हमें सब पता है। याद रखिएगा कैट कि मैं यहाँ क्यों आया था। अगर मुझे सबूत मिल जाते हैं कि लैनिस्टर्स ने जॉन एरिन का खून किया था तो, केटलिन कहती है, तो फिर क्या। और अब नेड कहता है, अगर मुझे सच में पता चलता है तब मैं रॉबर्ट के पास जाऊंगा और प्रार्थना करो कि वो आज भी वही इंसान है जिसे मैं कभी जानता था। यहाँ वॉल पे सभी बड़े अफसर और टिरियन बैठकर खाना खा रहे होते हैं और टिरियन उन्हें बताता है कि अब उसके जाने का वक्त हो चला है। लॉर्ड कमांडर टिरियन को रोकने की सोचते हैं पर टिरियन नहीं मानता। वहीं टिरियन की हंसी मजाक में सर एलिस्टर थॉर्न के साथ अनबन हो जाती है। लॉर्ड कमांडर मॉर्मोंट टिरियन से कहते हैं कि तुम्हें सर थॉर्न की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। टिरियन कहता है, अब अगर कोई इंसान अपने सीने पे टारगेट प्लेट लेके चलेगा तो किसी ना किसी को तो उस पे तीर चलाना ही था। वैसे आप सब इस सर थॉर्न को नए बच्चों ट्रेन करने ही क्यों दे रहे हो। कमांडर मॉर्मोंट कहते हैं, सर एलिसर थॉर्न उन कुछ चुनिंदा नाइट्स में से हैं जो नाइट्स वॉच को चुनते हैं। टिरियन, उन्होंने किंग्स लैंडिंग की लड़ाई में कई कारनामे दिखाए थे। तभी वहीं मौजूद सर जेरेमी राइकर कहते हैं, गलत पक्ष से माय लॉर्ड, मुझे याद है सर एलिसर मैड किंग के तरफ से लड़े थे। लॉर्ड टाइविन लैनिस्टर ने हमें एक सुझाव दिया था, या तो नाइट्स वॉच चुनो या मैं तुम सबके सर भाले पर टंगवा दूंगा। बुरा मत मानिएगा लॉर्ड टिरियन। टिरियन कहता है, बिल्कुल नहीं, वैसे भी मेरे पिताजी को लोगों के सर भाले पर माने का बड़ा शौक है। सर जेरेमी कहते हैं, जी शुक्रिया। तभी टिरियन और वाइन मंगवाता है। बोवेन मार्श जो कि लॉर्ड कमांडर का प्रबंधक था, उसने कहा, एक बौने के हिसाब से तुम कुछ ज्यादा नहीं पीते हो। तभी टेबल के दूसरे छोर से मास्टर एमोन की आवाज आती है, ओह मुझे नहीं लगता लॉर्ड टिरियन एक बौने हैं, वो तो एक दैत्य है जो हमसे इतनी दूर मिलने आया हो। अब मास्टर एमोन की आवाज सुनते सभी अफसर शांत हो जाते हैं। टिरियन जवाब देता है, मुझे आज तक कई नाम मिले पर दैत्य किसी ने पहली बार कहा माय लॉर्ड। मास्टर एमोन ने कहा, जरूर, वैसे भी मुझे लगता है कि ये सच है। अब ऐसा पहली बार हुआ था कि टिरियन के पास बोलने के लिए शब्द कम पड़ गए थे। वो अदब से अपना सर झुकाकर कहता है, आपकी मेहरबानी मास्टर एमोन। मास्टर एमोन इस पर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, मुझे भी आज तक कई नाम मिले माय लॉर्ड, पर मेहरबान किसी ने पहली बार कहा। अब इस पर सभी हंस पड़े थे। खाने के बाद कमांडर मॉर्मोंट टिरियन से कहते हैं, वॉल से लेके साउथ तक का रास्ता खतरों से भरा हो सकता है। टिरियन कहता है, कोई बात नहीं, मेरे साथ जाइक और मोरिक हैं और योरेन भी तो साउथ जा रहा है। मॉर्मोंट कहते हैं, योरेन बस एक ही बंदा है और हम आपको बस विंटरफेल तक ही छोड़ पाएंगे। टिरियन कहता है, अगर ऐसा है तो फिर आप जॉन स्नो को मेरे साथ जाने की इजाजत दे दीजिए। मॉर्मोंट कहते हैं, मुझे अफसोस है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, नए लड़कों को अपनी पुरानी जिंदगी भूलनी पड़ती है और वैसे भी घर जाना आपके जज्बातों को कुरेद देता है। मेरी बहन मेज बियर आइलैंड्स पर शासन करती है, पर मेरे बेटे के जुर्म के बाद मैं अपनी भतीजियों से मिलने भी नहीं जा सकता और जॉन अभी बस एक बच्चा है। मैं अपने 3 आदमी आपके साथ भेज दूंगा। टिरियन कहता है, मैं आपके मेहमान नवाजी से खुश हुआ लॉर्ड मॉर्मोंट, अगर मैं आपकी कोई मदद कर पाऊं तो जरूर बताइएगा। मॉर्मोंट कहते हैं, हाँ आप कर सकते हैं, आपकी बहन सम्राट के साथ बैठती है, आपका भाई एक सम्मानित नाइट है, आपके पिता पूरे 7 राज्यों के सबसे ताकतवर लॉर्ड हैं। आप उन्हें हमारे बारे में बताइएगा, बताइएगा कि हमें यहाँ क्या चाहिए। आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है माय लॉर्ड, नाइट्स वॉच खत्म हो रहा है। अब 1000 से भी कम लोग नाइट्स वॉच में बचे हैं, 600 लोग यहाँ हैं, 200 लोग शैडो टावर में और उससे भी कम ईस्ट वॉच में, और इन सब में सिर्फ 1/3 लोग हैं जो लड़ सकते हैं। ये वॉल 100 लीग लंबी है माय लॉर्ड, जरा सोचिए इस पे। अगर हम पर कभी हमला हुआ तो इस वॉल के हर एक मील को सुरक्षित करने के लिए सिर्फ 3 लोग होंगे। मॉर्मोंट आगे कहते हैं, मैंने बेंजन स्टार्क को यॉन रॉयस के बेटे को ढूंढने के लिए भेजा है और वो कुछ वक्त पहले लापता हो गया था। रॉयस का वो लड़का काफी जवान था, अपनी पहली गश्त में जाने की जिद किया था। मैं भी उसके पिता के ओहदे की वजह से उसे मना नहीं कर सका। गैरिड मेरे ही उम्र का था और मेरे ही इतना तजुर्बेकार भी था, पर फिर भी वो अपनी शपथ को तोड़ के एक भगौड़ा बन गया। मैं कभी इस बात पे यकीन नहीं कर सकता।
पर फिर लॉर्ड एडार्ड ने उसका सर मुझे पहुंचवा दिया। रॉ इसके बारे में भी कोई खबर नहीं है। हम दो लोगों को खो चुके हैं और एक भगोड़ा बन गया है। उनके तलाश में गए बेंजन की भी कोई खबर नहीं है। 2 साल बाद मैं 70 का हो जाऊंगा। ये जिम्मेदारी की बोझ उठाने की हिम्मत मुझ में नहीं बची है, पर फिर भी अगर मैं जिम्मेदारी को छोड़ भी दूं तो मेरे बाद इसे कौन अपनाएगा? एलिसर थॉर्न, बोवेन मार्श, मैं एक अंधा ही होऊंगा जो ये ना देख पाऊं कि वो कैसे लोग हैं। आज ये नाइट्स वॉच बस कुछ बिगड़ैल लड़के और थक चुके बुड्ढों से भर चुका है। आज हमारे साथ खाने पर जितने लोग थे उनके अलावा यहाँ बस 20 ऐसे होंगे जिन्हें पढ़ना आता हो और उससे भी कम जिन्हें सोचना आता हो, प्लान बनाना और नेतृत्व करना आता हो। टिरियन लॉर्ड कमांडर के आवाज में छिपे परेशानी को देख सकता था। उसे इस बात की शर्मिंदगी थी कि वो नाइट्स वॉच के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। वो लॉर्ड मॉर्मोंट से कहता है, मैं आपको आश्वासन देता हूँ लॉर्ड कमांडर, मैं सम्राट से इस बारे में बात जरूर करूंगा, वो आपकी बात जरूर मानेंगे। मैं अपने पिता और अपने भाई से भी इस बारे में जरूर चर्चा करूंगा। लॉर्ड मॉर्मोंट कहते हैं, आप एक नौजवान है लॉर्ड टिरियन, आपने कितनी सर्दियां देखी हैं? टिरियन कहता है, 8 या शायद 9, मुझे अच्छे से याद नहीं। लॉर्ड मॉर्मोंट कहते हैं, और वो सब छोटी सर्दियां थी। जब मैं छोटा था हमसे ये कहा जाता था कि एक लंबे गर्मियों के बाद एक लंबी सर्दी जरूर आती है। ये 9वां साल है गर्मियों का और जल्द ही 10वां भी शुरू हो जाएगा। जरा सोचो इस बार की सर्दियां कैसी होंगी लॉर्ड टिरियन। टिरियन कहता है, जब मैं छोटा था तो मेरी दाई माँ कहती थी कि अगर इंसान अच्छाई पर चलते रहे तब भगवान हमसे खुश होकर हमें कभी ना खत्म होने वाली गर्मी का मौसम दे देंगे, और लगता है कि भगवान ने हमारी सुन ली है क्योंकि ये गर्मियां काफी लंबे समय तक बनी रही हैं। और ये कहकर टिरियन मुस्कुरा देता है। लॉर्ड मॉर्मोंट कहते हैं, मैं मानता हूं कि आप उतने समझदार हैं माय लॉर्ड कि आप ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। धीरे धीरे दिन की लंबाई कम हो रही है। मास्टर आइमोन ने अंदाजा लगाया है कि सर्दियां हमारी सोच से भी ज्यादा नजदीक है। इतना कहते ही लॉर्ड मॉर्मोंट टिरियन के नजदीक आकर कहते हैं, आपको उन्हें समझाना ही होगा माय लॉर्ड। मैं आपको बता देता हूं, इस बार खुद अंधकार आने वाला है। वॉल के उस पार भयानक चीजें रहती हैं माय लॉर्ड, डायर वुल्व्स, मैमथ्स, बर्फीले भालू, और मैंने खुद अपने सपनों में कुछ भयानक काले जीवों को देखा है। टिरियन कहता है, सपने में? लॉर्ड मॉर्मोंट कहते हैं, ईस्ट वॉच के मछुआरों ने बताया है कि उन सब ने समंदर किनारे कुछ व्हाइट वॉकर्स को देखा है। टिरियन इस बात को मजाक में लेते हुए कहता है, अच्छा, लैनिसपोर्ट के मछुआरे तो जल परियों को भी देखने की बातें कहते हैं। लॉर्ड मॉर्मोंट टिरियन का मजाक अनसुना करते हुए कहते हैं, डेनिस मैलिस्टर ने खबर दिया था कि वॉल पे उस पार से रहने वाले पहाड़ी लोग अब दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं, वो अभी पहले से ज्यादा की तादाद में। वो भाग रहे हैं माय लॉर्ड। भाग रहे हैं, पर किस से? मैं महज एक बुढ़ा हूँ माय लॉर्ड, पर अपने पूरे जिंदगी में मैंने इस कदर ठंड महसूस नहीं किया था। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप सम्राट को वो सब बताइएगा जो मैंने आपसे कहा है। सर्दियां आ रही हैं, और जब सर्दियों की लंबी रातें आएंगी तब सिर्फ नाइट्स वॉच ही होगा जो इस रियासत और उत्तर के उन काली ताकतों के बीच खड़ा रहेगा। भगवान ही बचाए हमें अगर हम तैयार नहीं हुए तो। टिरियन कहता है, हाँ, बस अगर अब मैं सोने नहीं गया तो शायद भगवान को मेरी मदद करनी पड़े। वैसे भी योरेन सुबह होते ही निकलने की बात कह रहा था। तो एक बार फिर से आपके मेहमान नवाजी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लॉर्ड मॉर्मोंट। लॉर्ड मॉर्मोंट कहते हैं, टिरियन, उन्हें बस बता देना और उन्हें उस पे विश्वास करने को कहना, मेरे लिए वही आपका धन्यवाद होगा। टिरियन लॉर्ड मॉर्मोंट को अलविदा कहकर बाहर निकलता है। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि उसे एक और बार वॉल पे चढ़ने का मन करता है। वो सोचता है कि वैसे भी वो कल साउथ के लिए निकल जाएगा और पता नहीं उसे वॉल पर दोबारा आने का मौका मिले ना मिले। वो अपने कमरे को छोड़कर वॉल की तरफ चल पड़ता है। वॉल पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, पर ठंड इतना था कि टिरियन की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस सीढ़ियों को ले। वो उन सीढ़ियों के बगल में बनाए गए डोली का सहारा लेने का सोचता है। जब वो डोली वॉल पर चढ़ रही होती है, टिरियन देखता है रात के अनंत अंधेरे को। कहीं दूर पे एक छोटा सा गांव दिख रहा था। उसके अलावा चांद की रोशनी कहीं कहीं पर मौजूद नदियों और जमी झीलों को चमका उठी थी। उसके अलावा ऐसा लग रहा था कि सारा जहां इस अंधेरे में डूबा हुआ है। ठंडी और सर्द हवाएं पहाड़ों पे मौजूद बर्फ को उड़ाते हुए बह रही थी। वो ठंड ऐसी थी जो आपके मांस से होते हुए आपके हड्डियों को भी जमा दे। डोली जैसे ही वॉल के ऊपर पहुंचती है, टिरियन वॉल पर उतरता है। वॉल के ऊपर ठंड टिरियन के सोच से भी ज्यादा था। वॉल की चौड़ाई किंग्स रोड से भी ज्यादा थी, इसलिए टिरियन को गिरने का कोई डर नहीं था। वो ईस्ट में देखता है और वेस्ट में भी, और फिर अपने सामने के वॉल को जो आगे सैकड़ों मीलों तक जा रहा था और दोनों तरफ बस अंधेरा था। टिरियन बिना कुछ सोचे समझे चल पड़ता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, कौन है वहां? रुको।
टिरियन रुकता है और कहता है, अगर मैं थोड़ी देर और खड़ा रहा तो मैं ठंड से जम जाऊंगा जॉन। जॉन कहता है, लैनिस्टर तुम्हें मुझे यहीं पे मिलना था। टिरियन कहता है, हाँ मैं तो बस इस नजारे को एक आखिरी बार देखना चाहता था। वैसे तुम यहाँ इतनी रात में क्या कर रहे हो जॉन? जॉन बताता है कि सर एलिसर ने उसे रात में पहरेदारी पर लगा दिया है क्योंकि वो चाहते हैं कि आधी रात के बाद जॉन को नींद आ जाए ताकि सुबह के प्रशिक्षण के वक्त जॉन को देरी हो जाए। टिरियन पूछता है, बाकी लड़के कैसा कर रहे हैं? जॉन बताता है कि वो बाकी लड़कों को अच्छी प्रशिक्षण दे रहा है और अब धीरे धीरे वो सब लड़ना भी सीख रहे हैं। तभी जॉन टिरियन से कहता है कि उसे यहाँ से आगे 1 मील तक पहरा देना है तो उन्हें चलते चलते बात करनी चाहिए क्योंकि उसके कप्तान ने कहा था कि अगर वो चलते नहीं रहा तो उसका खून शरीर के अंदर ही जम जाएगा। टिरियन बताता है कि वो कल निकलने वाले हैं और रास्ते में वो विंटरफेल भी जाएगा तो अगर कोई संदेश जॉन भेजना चाहे तो वो जरूर ले जाएगा। जॉन कहता है, रॉब से कहना कि एक दिन मैं नाइट्स वॉच का कमांडर बनूंगा और सबकी हिफाजत करूंगा तो तुम लड़कियों के साथ मिलकर सिलाई का काम सीख लेना। टिरियन कहता है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा भाई कद में मुझसे बड़ा है, मैं ऐसा कोई भी संदेश लेके नहीं जाऊंगा जिससे वो मेरी जान ले ले। जॉन कहता है कि रिकॉन से कहना कि अगर वो मेरे खिलौने लेना चाहता है तो वो ले सकता है और ब्रैन के बारे में जॉन कुछ सोच नहीं पा रहा था। वो टिरियन से बस इतना ही कहता है कि ब्रैन की मदद करना टिरियन। टिरियन कहता है, मैं उसकी क्या मदद कर पाऊंगा, मैं कोई मास्टर नहीं कि उसका पैर ठीक कर दूं। जॉन कहता है, पर तुमने मेरी मदद की थी जब मुझे जरूरत थी, तुम उसी तरह ब्रैन की भी मदद कर देना। टिरियन आश्वासन देता है कि उससे जो बन पड़ेगा वो करेगा। जॉन कहता है, शुक्रिया मेरे लॉर्ड लैनिस्टर, दोस्त बनना चाहोगे? टिरियन कहता है, मैं कई नाजायजों को जानता हूँ पर तुम पहले होगे जिससे मैं दोस्ती करूंगा। दोनों खड़े होकर वॉल के उस पार देख रहे होते हैं। अब नाइट्स वॉच वॉल के उस पार के जंगल को वॉल से आधे मील से ज्यादा नजदीक नहीं आने देते थे। इसका कारण ये था कि वो चाहते हैं कि अगर कुछ भी वॉल के उस तरफ से आए वो किसी के नजरों से ना बच सके। टिरियन वहां से खड़े होकर वॉल के उस पार के हॉन्टेड फॉरेस्ट को देख रहा था। दूर दूर तक आग का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था और वो जंगल इतना घना था कि चांद की रोशनी शायद ही उसके जमीन को छू रही हो। उस जंगल और उस अंधेरे से भरे नजारे को देखने के बाद टिरियन भी एक बार के लिए सोचता है कि व्हाइट वॉकर्स की कहानियां कहीं सच तो नहीं। तभी जॉन की आवाज आती है और वो कहता है, मेरे अंकल वहां बाहर हैं। जब मैं यहां पहला दिन पहरा देने आया था मैंने सोचा कि वो उस रात लौटेंगे पर वो नहीं लौटे और अब हर रात मैं बस इसी उम्मीद में रहता हूँ कि वो वापिस आएंगे। टिरियन कहता है, उन्हें थोड़ा वक्त दो। तभी वॉल के उस पार से भेड़ियों की चीख सुनाई देती है। जॉन कहता है, अगर अंकल वापिस नहीं आते तो फिर मैं और घोस्ट उन्हें जाकर ढूंढेंगे। टिरियन कहता है, मुझे तुम पर विश्वास है जॉन, पर वो सोचता है कि फिर तुम्हें ढूंढने कौन जाएगा। यहाँ किंग्स लैंडिंग में नेड रोजमर्रे के सभा के कामों में लगा हुआ होता है। उस रात जब नेड खाने के लिए आता है तो वो देखता है कि कप्तान जोरी और बाकी सभी होमगार्ड और उसकी बेटियां खाने पे पहले से बैठे हुए होते हैं। जोरी नेड से पूछता है कि कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि नए हैंड के चुने जाने के उत्सव के तौर पे एक प्रतियोगिता रखवाई जा रही है और पूरे रियासत भर से अलग अलग लोग इसमें भाग लेने आएंगे। अब आर्या देख सकती थी कि इस बात से नेड उतना खुश नहीं था, पर प्रतियोगिता का नाम सुनते ही सांसा खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या उन्हें भी उस प्रतियोगिता को देखने को मिलेगा। नेड पहले मना करता है पर सेप्टा मॉर्डेन कहती है कि वहां पर पूरा राज परिवार होगा माय लॉर्ड और ये उत्सव आपके आने की खुशी में है और अगर इसमें आपका ही परिवार शामिल ना हुआ तो वो सही नहीं लगेगा। सेप्टा की बातों के बाद नेड मान जाता है पर आर्या उस उत्सव में आने से मना कर देती है और इस बात पे सांसा और आर्या का फिर से अनबन हो जाता है। नेड इस बात से चिढ़ के सांसा को डांटते हुए कहता है, अगर तुमने ये लड़ाई बंद नहीं की सांसा तो मैं तुम्हें प्रतियोगिता में लेकर नहीं जाऊंगा। सांसा माफी मांगती है और नेड गुस्से में खाना बीच में छोड़कर चला जाता है। नेड के जाते ही सभी एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं पर आर्या अकेली चुपचाप बैठी हुई होती है। वो बस यही सोचे जा रही थी, काश वो अपने भाइयों से मिल पाती, उनके साथ खेल पाती। यहाँ किंग्स लैंडिंग में कोई नहीं है, बस सांसा थी और उन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी। आर्या सोचती है कि किस तरह ज्यादातर वक्त विंटरफेल में वो एक साथ खाना खाया करते थे। नेड किस तरह रॉब को समझाते थे कि हमेशा अपने लोगों के साथ खाना खाओ, उन्हें जानो और उन्हें तुम्हें जानने दो ताकि उन्हें कभी ये ना लगे कि वो किसी अजनबी के लिए अपनी जान दे रहे हैं। आर्या को याद आ रहा था कि किस तरह विंटरफेल के डाइनिंग हॉल में उसके पिता के बगल वाली कुर्सी हमेशा अलग अलग लोगों के लिए होती थी। किसी दिन वो कैप्टन जोरी को बुलाते थे तो किसी दिन मिकेन को जो विंटरफेल के किले का लोहार था। हर दिन नया मेहमान होता था और नेड उन सब से बातें किया करता था। आर्या हमेशा अपने पिता के साथ बैठकर उनकी बातें सुनना पसंद करती थी पर वो सब दिन विंटरफेल के थे और अब चीजें पूरी तरह बदल
चुकी थी। जिन लोगों की बातें सुनने में आर्या को पहले मजा आता था, वो अब उनकी आवाज भी नहीं सुनना चाहती थी, क्योंकि यही वो लोग थे जिन्होंने कुछ नहीं किया जब लेडी को मारने का फरमान जारी कर दिया गया था, और जब हाउंड ने उसके दोस्त माइका को उतनी तरह मार डाला था, तब यही वो लोग हैं जिन्होंने आवाज तक नहीं उठाई थी। आर्या गुस्से में खाना छोड़कर भाग जाती है और अपने कमरे में लौट आती है। पूरे किंग्स लैंडिंग में सिर्फ उसका कमरा ही एक ऐसा जगह था जो आर्या को पसंद था। अपने कमरे में आके वो रोने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने बक्से से अपने सारे सामान को निकालने लग जाती है और तब उसे उसका तलवार मिलता है। उस तलवार को देख के वो दोबारा रो पड़ती है। उसे लगता है ये उसी की गलती थी कि उसने माइका को उसके साथ खेलने को कहा था। खिड़की पर खड़े होकर आर्या ये सोच रही होती है कि अगर वो ब्रैन की तरह दीवारों पे चढ़ पाती तो इसी वक्त राजमहल से उतरकर कुछ खाने का सामान चुराकर विंटरफेल चली जाती या फिर वॉल पर जॉन के पास चली जाती। वो सोचती है कि अगर आज जॉन यहाँ होता तो उसे इतना अकेलापन महसूस नहीं होता। तभी दरवाजे पर कोई आता है और एक आवाज आती है, आर्या क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये उसके पिता नेड की आवाज थी। आर्या दरवाजा खोलती है और वो अपने पिता को गुस्सा नहीं बल्कि उदास देखती है। नेड आर्या से पूछते हैं कि वो किसकी तलवार है। आर्या बताती है कि ये उसी की तलवार है। नेड उस तलवार को लेकर जांच करता है और कहता है ये ब्रावोस के तलवार जैसा लग तो रहा है, पर मैं इस चिन्ह को पहचानता हूँ, ये मिकिन ने बनाया है ना, यानी कि दी हैंड ऑफ द किंग, जिसे सातों राज्यों के बारे में पता होनी चाहिए, उसे तक ये पता नहीं है कि उसी के किले के अंदर किसी ने एक तलवार बनाकर उसके 9 साल के बेटी को तोहफे में दे दिया। कमाल है आर्या। नेड आर्या से पूछते हैं कि उसे ये तलवार किसने दी। आर्या कोई जवाब नहीं देती। नेड भी ज्यादा जोर नहीं देते और कहते हैं ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है आर्या, और अगर सेप्टा ने तुम्हें इसके साथ खेलते देख लिया तो क्या होगा। आर्या बताती है कि वो खेल नहीं रही थी और सेप्टा मॉर्डेन से उसे नफरत है। नेड के समझाने पर भी आर्या नहीं मानती और नेड कहता है कि अगर वो चाहे तो अभी इस तलवार को तोड़कर इन सब फसाद को खत्म कर देगा। आर्या कहती है नीडिल नहीं टूटेगा। नेड कहता है अच्छा तो इसका एक नाम भी है। नेड आर्या को समझाता है कि उसका ये अल्हड़पन और ये जज्बा उसकी बहन लियाना और उसके बड़े भाई ब्रैंडन में भी था, पर इस जोश और जज्बे ने उन दोनों को मौत तक पहुंचा दिया। नेड आगे पूछता है तो बताओ आर्या, इस तलवार से तुमने क्या करने का सोचा है? क्या इससे अपनी बहन को मारोगी या सेप्टा मॉर्डेन को? और क्या तुम्हें तलवारबाजी के नियम पता है? आर्या नेड को बताना शुरू करती है कि उसे याद आ जाता है कि उसने ही माइका को खेलने को कहा था, फिर हाउंड ने माइका को मार डाला था। आर्या बुरी तरह रोने लगती है। नेड उसे संभालता है, उसे समझाता है कि अपने दोस्त के मौत पे शोक प्रकट करो बेटा, पर उसके मौत का जिम्मेदार खुद को मत मानना। उसे उस हाउंड ने मारा और उस निर्दयी औरत ने जिसकी हाउंड गुलामी करता है। आर्या भी गुस्से में कहती है कि उसे सम्राट, महारानी, हाउंड, जॉफरी सबसे नफरत है। वो आगे कहती है यहाँ सब झूठ बोलते हैं, जॉफरी ने झूठ की कहानी सुनाई, सांसा ने भी झूठ बोला ताकि जॉफरी उसे पसंद करने लगे। नेड कहता है हम सब झूठ बोलते हैं बेटी, वरना तुम्हें क्या लगता है मैं सच में मानूंगा कि निमीरिया तुम्हें छोड़कर भाग गई होगी। आर्या कहती है जॉरी ने मुझे सच बोलने से मना किया था। नेड कहता है मैं जानता हूँ बेटा। आर्या आगे बताती है मुझे निमीरिया को भगाना पड़ा, वो मेरे ही पीछे चली जा रही थी। जब जॉरी ने मुझे ढूंढ लिया तो उसने भी कहा कि निमीरिया के लिए जंगल ही सही रहेगा, पर निमीरिया मेरे कहने पे भी नहीं जा रही थी, मुझे उसे पत्थर से मारना पड़ा। उसे चोट भी लगी और वो मुझे ही देखे जा रही थी। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था पिताजी, पर मैं जानती थी कि उसके लिए ये सही रहेगा, क्योंकि अगर वो लैनिस्टर्स के हाथों लग जाती तो वो उसे मार डालेंगे। मैंने सही किया ना? नेड कहते हैं हाँ बेटा तुमने बिल्कुल सही किया। नेड आर्या की तलवार उठाकर सोचता है, फिर वो आर्या को अपने पास बुलाकर कहता है तुम इसके लिए अभी छोटी हो, पर तुम्हें हमारा नीति वाक्य याद है ना? आर्या कहती है सर्दियां आने वाली हैं। नेड कहता है बिल्कुल, चुनौतियों से भरा हुआ वक्त, वैसा ही जैसा हमने ट्राइडेंट में देखा। तुम लंबे गर्मियों में पैदा हुई थी बेटा, इसलिए तुम इसे जानती तो नहीं, पर सर्दियां सच में आने वाली है। तो तुम्हें हमारे घराने का राज चिन्ह तो याद है ना? आर्या कहती है एक डायर वुल्फ। नेड कहता है चलो मैं तुम्हें भेड़ियों के बारे में एक बात बताता हूँ। जब बर्फ पड़ती है और सर्द हवाएं चलनी शुरू होती हैं, तो एक अकेला भेड़िया दम तोड़ देता है, पर झुंड सुरक्षित रहता है। गर्मियां मस्तियों का मौसम होता है, पर सर्दियों में हम अपनों की रक्षा करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की ताकत बनते हैं। तो अगर तुम्हें नफरत ही करना है तो उनसे नफरत करो बेटा जो सच में हमारे दुश्मन है। सेप्टा मॉर्डेन एक भली औरत है, और सांसा वो तो तुम्हारी बहन है। तुम और सांसा भले चांद और सूरज की तरह बिल्कुल विपरीत भी क्यों ना रहो, पर सच तो यही है बेटा कि तुम दोनों की रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। सांसा को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें भी सांसा की जरूरत पड़ेगी। आर्या कहती है
मैं सांसा से नफरत नहीं करती, नेड कहता है। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता और ना ही मैं तुमसे झूठ कहूंगा। हम सब एक खतरनाक जगह पे आ चुके हैं बेटा, ये जगह विंटरफेल नहीं है। यहाँ पे हमारे कई ऐसे दुश्मन हैं जो हमें चोट पहुंचाना चाहते हैं, और ऐसे कठिन हालातों में हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। तुम्हारा ये अल्हड़ अंदाज, ये बचपना, ये जज्बा, ये जिद गर्मियों के खेल के तौर पे अच्छा लगता था बेटा, पर अब सर्दियों के साथ साथ सब कुछ बदल चुका है। अब तुम्हें भी बड़ा होना होगा। इतना कहकर नेड आर्या को उसकी तलवार लौटा देता है। आर्या भी नीडल को वापस पाकर खुश हो जाती है और वादा करती है कि अगले दिन वो सेप्टा से माफी मांग लेगी। अगले दिन नाश्ते के बाद वो सेप्टा से माफी मांग लेती है। दो दिन बाद नेड का प्रबंधक वायन पूल आर्या को एक बरामदे में भेजता है। जैसे ही आर्या वहां पहुंचती है तो एक अनजानी आवाज आती है, तुम्हें देर हो गई लड़के। अब ये आवाज एक अधेड़ उम्र के शख्स की थी जो आगे कहता है, कल तुम ठीक दोपहर के वक्त यहाँ पहुँच जाओगे। आर्या उससे उसका परिचय पूछती है। वो शख्स आर्या से कहता है, मैं तुम्हारा डांसिंग मास्टर हूँ। और एक लकड़ी की तलवार वो आर्या की तरफ फेंकता है। आर्या उसे पकड़ नहीं पाती क्योंकि आर्या ने जितना सोचा था वो लकड़ी का तलवार उससे ज्यादा वजनदार था। आर्या कहती है, ये बहुत भारी है। वो शख्स कहता है, ये भारी है क्योंकि ये तुम्हें मजबूत बनाएगी, इसलिए इसे एक हाथ से पकड़ो। आर्या अपना दायां हाथ हटा लेती है और उस तलवार को अपने बाएं हाथ से पकड़ती है। वो शख्स कहता है, बाएं हाथ का इस्तेमाल, ये बढ़िया है, तुम्हारा दुश्मन इससे कंफ्यूज हो जाएगा। तुम्हारा कद भी छोटा है, इस वजह से तुम्हारे दुश्मन को निशाना साधने में भी दिक्कत होगी। फिर वो आर्या के पकड़ को देखता है और कहता है कि तलवार को कस कर मत पकड़ो, उसे ढील दो बिल्कुल आराम से। आर्या पूछती है, अगर इससे तलवार मेरे हाथ से गिर गया तो? वो शख्स कहता है, तलवार तुम्हारी बांह का एक हिस्सा होना चाहिए, क्या तुम अपने हाथ को गिरा सकते हो? बिल्कुल नहीं, मेरा नाम सीरियो फोरेल है और पिछले 9 सालों से मैं ब्रावोस के सी लॉर्ड्स के यहाँ काम करता आया हूँ। तो मेरी बातें ध्यान से सुनो लड़के। आर्या कहती है, मैं एक लड़की हूँ। सीरियो कहता है, लड़का या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें तलवारबाजी सीखनी है वही काफी है। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें वेस्टेरोस का आयरन डांस नहीं सिखाऊंगा, वो तलवारबाजी जो नाइट्स इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ब्रावोस का डांस सिखाऊंगा, वाटर डांस, बिल्कुल तेज और लयदार। तो अब चलो तुम मुझ पर हमला करने की कोशिश करो। आर्या अगले 4 घंटों तक सीरियो पे हमला करती रही और जब वो थक गई तब सीरियो ने उसे गलतियों के बारे में बताया और अगले दिन के प्रशिक्षण में जल्दी आने को कहा। यहाँ नैरो सी के दूसरे तरफ डैनी और खाल के लोग वापिस वाइश डोथरा की तरफ लौट रहे होते हैं। एक टीले के करीब सर जोरा डैनी के नजदीक आकर कहते हैं, द डोथरा की सी। अब ये कोई समंदर नहीं था बल्कि घास का एक बड़ा सपाट और दूर तक फैला मैदान था। यहाँ ना कोई पहाड़ थे और ना ही बड़े पेड़, ना कोई शहर और ना ही कोई सड़क, बस अगर कुछ था तो दूर दूर तक फैला हुआ वो मैदान। सर जोरा डैनी को डोथराकी सी के खूबसूरती के बारे में बताते हैं जब ये पूरा इलाका फूलों से भर जाता है। वो उसे कई तरह के घासों के बारे में बताते हैं जो डोथराकी सी से होते हुए अशाई तक पाए जाते हैं। तब वो पीछे से बाकी लोगों के आने की आवाज सुनती है। उसके भाई विसेरिस को वो सफर रास नहीं आ रहा था। मैजिस्टर इलीरियो ने विसेरिस से कहा भी था कि वो पीछे रुक कर इंतजार कर सकता है, पर विसेरिस ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि वो चाहता था कि वो जितना जल्दी हो सके एक डोथराकी सेना लेके वेस्टेरोस पे हमला करने जा सके। इस सफर में डैनी अपने भाई की कोई बात नहीं सुनना चाह रही थी, इसलिए वो सर जोरा से कहती है, आप सबको यहीं रुकने को कहिए, उन्हें कहिए कि ये मेरा आदेश है। सर जोरा मुस्कुरा कर कहते हैं, अब आप एक रानी की तरह बात करना सीख गई हैं। डैनी कहती है, रानी नहीं खलीसी। ये सफर डैनी के लिए भी सुकून भरा नहीं था। उसके शादी के बाद जब खालासार अपने कैंप्स हटा के पूर्व की तरफ बढ़े थे वाइश डोथराक लौटने के लिए, तो तीसरा दिन जाते जाते डैनी के पांव बेजान होने लगे थे। उसे इतने लंबे घुड़सवारी की आदत नहीं थी, उसके हाथों में छाले पड़ जाते थे और वो अपने घोड़े से उतर भी नहीं पाती थी। ड्रोगो को डैनी से कोई लेना देना नहीं था, वो अपने ही लोगों के साथ ज्यादातर वक्त बिताता था। डैनी खाना भी अकेले ही खाया करती थी और अकेले ही सोती थी। दिन प्रतिदिन वो इन चीजों से तंग आ गई थी, उसने खुद की जिंदगी को खत्म करने के बारे में भी सोचा। पर एक रात डैनी ने एक सपना देखा, एक सपना जिसमें एक ड्रैगन था, पर उस सपने में उसका भाई विसेरिस नहीं था, सिर्फ वो ड्रैगन और वो थी।
डैनी उस ड्रैगन के आंखों में आग का समंदर देख सकती थी। जब वो ड्रैगन मुंह खोलता है तो आग की एक तेज धार लपट डैनी को घेर लेती है। डैनी भी अपने बाजुओं को फैला के उस आग में समा जाती है, पर डैनी को कुछ महसूस नहीं होता। और जैसे ही अगले दिन डैनी जागती है तो वो महसूस की थी कि उसका सारा दर्द जा चुका है। उस दिन उसकी दासी झीकी डैनी से पूछती भी है, आप ठीक तो है ना खलीसी? डैनी जवाब देती है कि वो बिल्कुल ठीक है। उस वक्त डैनी मैजिस्टर इलीरियो के दिए अंडे पर हाथ रखती है। वो सबसे बड़े अंडे को देख ही रही होती है कि उसे अपने हथेली के नीचे वो अंडा गर्म महसूस होता है। डैनी डर जाती है और अपना हाथ पीछे खींच लेती है। ड्रोगो ने डैनी की दूसरी दासी ईरी को डैनी को डोथराकी तरीके से घुड़सवारी सिखाने का काम सौंपा था। और जब डैनी अपने घोड़े पे पूरे तरह से संतुलन बना ली थी तब वो ड्रोगो के साथ पूरे खालासार से आगे चलती थी ताकि वो जगहों की सुंदरता को सबसे पहले देख सके। वो नॉर्वोस के सीढ़ी नुमा पठार से होकर गुजरे, कई खेतों को पार करते थे जहाँ डैनी वहाँ के लोगों को देख सकती थी। वो तीन नदियों को पार की और चौथी नदी जो सकरी पर तेज थी उसे पार करने में सबको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक बड़े नीले झरने के बगल में डेरा डाला और फिर अगले दिन वो एक खंडहर बन चुके शहर में भी रुके जहाँ रात में आत्माएं आवाज लगाया करती थी। उसके बाद वो हजारों साल पुराने वेलेरिया के रास्तों पर चले बिल्कुल सीधे। अगले दिन पूरी रात वो कोहोर की जंगलों से गुजरे जहाँ के पत्ते सुनहरे रंग की छाया किए हुए थे। वहाँ के पेड़ किसी दुर्ग के दीवार जितने चौड़े थे। और यहाँ आज के दिन उस टीले पर सर जोरा से बात करने के बाद डैनी अपने घोड़े के साथ टीले से नीचे उतरती है और वो बाकी खालासार से आगे थी और वो इस सफर और डोथराक को अपना भी चुकी थी। तभी उसका भाई विसेरिस गुस्से में भरा उसके पास आकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर आदेश चलाने की, जरा देखो खुद को। डैनी इस पे कुछ नहीं कहती। विसेरिस तब भी चिल्लाए जा रहा था, तुम ड्रैगन को संदेश नहीं दे सकती, समझ में आया तुम्हें? मैं सातों साम्राज्यों का सम्राट हूँ, मैं किसी हॉर्स लॉर्ड की वैश्या से आदेश नहीं लूंगा, सुनाई दिया तुम्हें? तभी एक जोर की आवाज आती है। ये एक चाबुक की आवाज थी। वो चाबुक झोगो ने चलाया था और वो विसेरिस को खींच कर जमीन पर गिरा देता है। झोगो डैनी से कुछ पूछता है पर वो समझ नहीं पाती। तभी ईरी डैनी से कहती है कि झोगो आपसे पूछ रहा है कि अगर आप आदेश दो तो इसे यहीं मार दे। डैनी कहते हैं, नहीं रोकने बोलो उसे। झोगो रुक जाता है। तभी पीछे से कोई कुछ कहता है और सब हंस पड़ते हैं। ईरी बताती है, खलीसी क्वारो का कहना है कि इसे सबक सिखाने के लिए आपको इसका एक कान कटवा देना चाहिए। डैनी कहती है, ईरी इनसे कहो कि मैं नहीं चाहती कि इसे कोई भी चोट पहुंचाए। ईरी के ऐसा कहते ही सभी विसेरिस को छोड़ देते हैं। सर जोरा डैनी से कहते हैं, मैंने इनसे कहा था कि वो टीले पर ही चुपचाप बैठे पर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। डैनी सर जोरा से कहती है, आप इसका घोड़ा ले लीजिए सर जोरा, अब ये डोथराक तक हमारे साथ पैदल चलेगा। अब डोथराकी में जिस शख्स के पास घोड़ा ना हो वो समाज में सबसे नीच माना जाता था, जिसका ना कोई सम्मान है ना कोई अधिकार। डैनी का आदेश सुनते ही विसेरिस गुस्से से चीख पड़ता है, नहीं सुनो जोरा, मार डालो डैनी को, तुम्हारा सम्राट तुम्हें आदेश देता है, इस डनेरिस और इन डोथराकी कुत्तों को मार डालो। सर जोरा के चेहरे पे डैनी साफ देख सकती थी कि उसने क्या फैसला लिया है। सर जोरा कहते हैं, ये पैदल ही चलेगा खलीसी, और वो विसेरिस का घोड़ा ले लेते हैं। विसेरिस की आंखों में नफरत और जहर भरा हुआ था। डैनी उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाती है पर उसे ये डर था कि कहीं उसका भाई रास्ते में खो ना जाए। सर जोरा उसे बताते हैं कि डोथराकी सी में कोई खो नहीं सकता, अगर वो खोया फिर भी डोथराकी उसे ढूंढ ही लेंगे। डैनी भी इस बात पे यकीन करती है। उसे ये समझ आ गया था कि खालासार एक चलते फिरते शहर की तरह था। खोजी दस्ते मुख्य खालासार से मीलों आगे चलते थे ताकि किसी भी तरह के खतरे के बारे में आगाह किया जा सके। आउटराइडर्स मुख्य टुकड़ी के चारों ओर चलते थे और अपने दिशा के हिस्से को पूरी तरह चौकन्ने रहकर सुरक्षित रखते थे। उनकी नजरों से कुछ भी बच नहीं सकता था। ये मैदान अब डोथराकियों का एक हिस्सा बन चुका था। डैनी सर जोरा से पूछती है, क्या मैंने विसेरिस के साथ सही किया, कहीं वो गुस्सा ना हो जाए? सर जोरा उसे समझाते हैं कि उसके गुस्से होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। डैनी पूछती है, पर आपने तो अपनी वफादारी विसेरिस के नाम पर दी थी। सर जोरा भी इस पे मानते हैं पर पूछते हैं, क्या आप उसे कभी राज सिंहासन पे बैठे देखना चाहती हैं? डैनी कहती है, वो एक अच्छा सम्राट साबित नहीं होगा, है ना? सर जोरा कहते हैं, उससे पहले भी कई निर्दयी सम्राट रहे हैं खलीसी। डैनी पूछती है, पर फिर भी मैजिस्टर इलीरियो ने बताया था कि नैरोसी के उस पार आज भी आम जनता विसेरिस के आने का इंतजार कर रही है। सर जोरा कहते हैं,
आम जनता सिर्फ बारिश, बच्चों की खुशहाली और गर्मियों का इंतजार करते हैं बेटा। आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बड़े पदों पे बैठे लोग कौन सा सिंहासन का खेल खेल रहे हैं। सर, जोरा की ये बातें डैनी के दिमाग को झकझोर गई। ये बातें उन बातों से बिल्कुल अलग थी जो आज तक विसेरिस डैनी को कहते आया था। डैनी सर जोरा से पूछती है, आप किस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं? सर जोरा कहते हैं, घर जाने की। डैनी कहते हैं, ये तो मैं भी चाहती हूँ। सर जोरा कहते हैं, तो फिर अपने चारों तरफ देखिए खलीसी। पर डैनी को अपने चारों ओर डोथराक के वो सपाट मैदान नहीं दिखे, उसे दिखा किंग्स लैंडिंग, वो रेड कीप जिसे एगोन द कॉन्करर ने बनवाया था, ड्रैगन स्टोन का वो राज्य जहां डैनी पैदा हुई थी, वो सब अब डैनी को दिखने लगे थे। डैनी कहती है, मेरा भाई कभी भी उन सातों साम्राज्यों को वापिस नहीं पा सकेगा। अगर ड्रोगो अपनी सेना भी दे दे तो भी विसेरिस उस सेना का नेतृत्व नहीं कर पाएगा। सब उसे कमजोर समझकर उसका मजाक भी उड़ाते हैं, वो हमें घर नहीं ले जाने वाला। सर जोरा कहते हैं, तुम समझदार हो बेटा। शाम होते होते डोथराकियों ने डेरा डाल दिया था। डैनी जब अपने टेंट में गई तो उसने देखा कि दिए की आग ड्रैगन के अंडों के तरफ आकर्षित हो रहे थे। डैनी सोचती है, वो बस पत्थर है, ड्रैगन्स मर चुके हैं। तभी जब वो उन अंडों पर अपना हाथ रखती है तो उसे महसूस होता है कि ये अंडे आग की तरह तप रहे हैं। डैनी जब नहाने जाती है तो वो अपनी दासी ईरी से पूछती है, क्या तुमने कभी एक ड्रैगन देखा है? डैनी ने हमेशा से सुना था कि ड्रैगन्स शैडो लैंड्स से आए थे, जो दूर पूर्व में अशाई से भी आगे है, या फिर वो जेड सी के नजदीक टापुओं से आए हो, और हो सकता है कि वहाँ पर आज भी ड्रैगन्स रहते हो। ईरी कहती है, ड्रैगन्स मर चुके हैं। झीकी भी इस पे हामी भर देती है, ड्रैगन्स अब मर चुके हैं। डैनी सोचती है कि विसेरिस ने उसे बताया था कि आखिरी टारगेरियन ड्रैगन आज से 150 साल पहले मरा था एगोन 3 के शासन में, और डैनी को ये वक्त उतना बड़ा भी नहीं लग रहा था। डैनी पूछती है, क्या हर जगह से ड्रैगन मिट चुके हैं? क्या पूर्व में भी? अब गाइस आओ थोड़ा वर्ल्ड बिल्डिंग में घुसते हैं। अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर में दुनिया में 4 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें मेन फोकस में ज्यादातर वक्त वेस्टेरोस और एसोस रहता है। वेस्टेरोस दुनिया के फार वेस्ट में है, जैसा कि उसका नाम है, वहीं एसोस दुनिया के ईस्ट में है। जैसा हमारे अर्थ में नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, वो फार वेस्ट माना जाता है, और एशिया ईस्ट। अब हजारों सालों के दौर में वेस्टेरोस और एसोस में कई बदलाव हुए थे, और अब हम उन्हें ही जानेंगे। तो आओ अब वापिस कहानी में लौटते हैं। तो जादू अरसों पहले ही वेस्ट में खत्म हो चुकी थी, जब वेलेरिया और द लैंड्स ऑफ द लॉन्ग समर का अंत हुआ था। तब ना ही जादू के साथ गढ़े गए तलवार और ना ही ड्रैगन्स और जादूगरों ने उस बर्बादी को रोक पाया। पर डैनी को लगता था कि सुदूर पूर्व में चीजें अब भी पहले की तरह होंगी। डैनी को लगता था कि आज भी जेड सी के टापुओं में मैंटिकोर्स पाए जाते होंगे, और हीती के जंगल आज भी बेसिलिस्क का डेरा है, और वो मानती थी कि जब अशाई में आज भी तांत्रिक जादूगर और काला जादू करने वाले रहते हैं तो फिर ड्रैगन्स कैसे नहीं होंगे। ईरी कहती है, कोई ड्रैगन्स नहीं है खलीसी, ये सब जानते हैं कि जाबाज लोगों ने उन जानवरों को मार डाला। डैनी की तीसरी दासी डोरिया कहती है, कार्थ के एक व्यापारी ने एक बार मुझे बताया था कि ड्रैगन्स चांद से आए थे। डैनी पूछती है, चांद से? डोरिया आगे बताती है, उस व्यापारी ने मुझसे कहा कि चांद एक अंडा था खलीसी। पहले आसमान में 2 चांद हुआ करते थे, उनमें से एक सूरज के काफी नजदीक चला गया और सूरज के गर्मी के वजह से फूट गया। उसमें से हजारों ड्रैगन्स निकले, वो सूरज के आग को पीना शुरू कर दिए। इसलिए ड्रैगन्स आग उगलते हैं खलीसी, और एक दिन ये दूसरा चांद भी सूरज के नजदीक जाएगा और ड्रैगन्स दोबारा से आ जाएंगे। इस बात पे ईरी और झीकी डोरिया का मजाक उड़ा देती हैं और कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नहाने के बाद उसकी दासियां डैनी को तैयार कर देती हैं। जब डैनी रात का खाना खा रही होती है तो बाकी दासियां जा रही होती हैं, पर डैनी डोरिया को रोक लेती है। डैनी और डोरिया काफी रात तक बातें करती हैं, और उस रात जब ड्रोगो डैनी के टेंट में आता है तब डैनी ड्रोगो से कहती है कि आज की रात उन्हें खुले आसमान के नीचे बितानी चाहिए, क्योंकि एक डोथराकी अपने जीवन के जरूरी काम खुले आसमान के नीचे करता है। वो दोनों बाहर जाते हैं और डैनी इस बार हर वो चीज करती है जो डोरिया ने उसे सिखाया था। कुछ वक्त बाद डोरिया डैनी के पेट को देखकर कहती है, आप पेट से हैं खलीसी। डैनी कहती है, मैं जानती हूँ। और ये डैनी का 14वां जन्मदिन था।